कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बढ़ेगी मुश्किलें। बवाना थाने में प्रियंका के खिलाफ मामला दर्ज। एक वकील ने दर्ज कराया है तिरंगे के अपमान का मामला। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल। अरुण जेटली ने दिलाए सदस्यता। पीएम मोदी से प्रभावित होकर पार्टी में हुए शामिल। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने लाजपत राय मार्केट से जैश के आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकी को थी पुलवामा घटना की पूरी जानकारी। राजौरी गार्डन क्षेत्र में कुछ युवकों ने पुलिस वाले को मारा चाकू। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। गाड़ी पर रंग डालने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। दिल्ली में बवाना की एक फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। पेट्रोल के दामों में महंगाई का सिलसिला जारी। 5 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 72.76 रुपए प्रति लीटर हुआ। वहीं डीजल 7 पैसे की कटौती के बाद 66.65 रुपए प्रति लीटर बिक रहा। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी होंगे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक में लगी नाम पर मुहर। सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर युवती ने की मेट्रो रेल के आगे कूदकर आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सेक्टर 5-3 में खेलते खेलते बिजली के सब स्टेशन में घुसे बच्चे। हादसे में 3 बच्चों की मौत। लोगों ने एनपीसीएल पर लगाया लापरवाही का आरोप। गाजियाबाद पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोदीनगर से पकड़ा 102 किलो सोना। सोने की कीमत लगभग 38 करोड़ रुपए। बसपा प्रमुख मायावती का चौकीदार अभियान पर निशाना। बोली, बीजेपी वाले चाहे जो फैशन करें, बस संविधान कानून के रखवाले बनकर काम करें। सपा नेता रामगोपाल यादव के बयान पर भड़के योगी आदित्यनाथ। कहा, रामगोपाल यादव को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। रामगोपाल ने पुलवामा की घटना पर उठाए थे सवाल। राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस ने किया खबरों का खंडन। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 20 स्टार प्रचारकों की सूची में भतीजे आकाश आनंद का नाम भी शामिल। सीएम आदित्यनाथ योगी 26 मार्च को करेंगे चुनावी शंखनाद। गोरखपुर में करेंगे जनसभा। कार्यक्रम में लगभग 10,000 लोगों के आने की संभावना। मथुरा से दोबारा चुनाव लड़ेंगी बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। टिकट मिलने पर ट्वीट कर जताया मथुरा वासियों का आभार। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल का जबरदस्त विरोध। अग्रवाल के विरोध में लोगों ने लगवाए बैनर। वोट नहीं देने का ऐलान। देहरादून में टिहरी से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने दाखिल किया नामांकन। शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन करने पहुंची। बिहार का स्थापना दिवस आज। पीएम मोदी ने बिहार दिवस की दी बधाई। कहा, वीरों और महापुरुषों की धरती के निवासियों को मेरी शुभकामनाएं। तुरुंडू गांव में पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई उग्रवादियों ने घर में घुसकर 2 लोगों को मारी गोली। घटना में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के 170,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में कास्ट कोल माइनिंग के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दी मंजूरी। भारत में वन संरक्षण के लिए हो सकते हैं दूरगामी परिणाम। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री समेत 5 सांसदों के काटे टिकट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी नेता गोमती साय का बयान। बोले, चुनाव में पीएम मोदी के कार्य और उद्देश्य को लेकर देश के हित में जनता से मांगेंगे वोट।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, हादसे में दो की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। महंगा होगा इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे का सफर। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल प्लाजा में सभी वाहनों की टोल टैक्स दरें करेगा रिवाइज, नई दरों के हिसाब से वसूला जाएगा टैक्स। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने पुलिस को लगाई फटकार, कहा तुम लोग कैसे हिंदू हो, परंपराएं नहीं जानते। बंदूक चलाकर होलिका दहन में आचार संहिता का हवाला देने पर भड़के थे बीजेपी विधायक। राजस्थान में बीजेपी ने सांसद संतोष अहलावत का काटा टिकट, संतोष अहलावत की जगह विधायक नरेंद्र कुमार खींचड़ को चुनावी मैदान में उतारा। सीएम अशोक गहलोत का आरएसएस पर वार, कहा आरएसएस बीजेपी के साथ खुलकर राजनीति में क्यों नहीं आ जाती। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, कोर्ट में पेश होने के लिए मांगी छूट, खराब सेहत का दिया हवाला। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी आनंद तेलतुंबड़े की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित, 2 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। करतारपुर कॉरिडोर के तहत सड़क बनाने का काम शुरू, दोनों देशों के अफसरों की मीटिंग के बाद शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य, लुधियाना की कंस्ट्रक्शन कंपनी सीगल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है जिम्मेदारी। बुड्ढा दरिया की सफाई को लेकर एनजीटी सख्त, एनजीटी ने नगर निगम और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों को किया तलब, कोताही बरतने पर निगम और पीपीसीबी अफसर के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गुरमीत राम रहीम से करेगी पूछताछ, बरगाड़ी बेअदबी और बहिबल कला गोलीकांड मामले में कोर्ट ने एसआईटी को दी पूछताछ की इजाजत। हरियाणा में बढ़ी बीजेपी की ताकत, इंडियन नेशनल लोकदल विधायक रणवीर सिंह गंगवा बीजेपी में हुए शामिल, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ग्रहण की सदस्यता। शिमला में होली खेलने के दौरान पुलिस और उपद्रवियों के बीच हाथापाई, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नशे की बड़ी खेप जब्त, पुलिस ने नेपाली महिला को 9 किलो चरस के साथ किया गिरफ्तार। हिमाचल में बीजेपी को लगा झटका, बीजेपी सांसद शांता कुमार ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार, हाईकमान तय करेंगे नया प्रत्याशी। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी पर ईडी की कार्रवाई, 14 करोड़ का लगाया जुर्माना, फेमा के तहत हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सफलता, 24 घंटे में सेना ने 7 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम किए घोषित, राज्य की 6 में से 5 सीटों के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव का कांग्रेस पर वार, बोले गद्दारों और शैतानों की पार्टी है कांग्रेस, ये लोग सिर्फ सफलता का फल खाने आते हैं। कांग्रेस नेता रमेश कुमार के बिगड़े बोल, कहा मुझे पुरुषों का साथ पसंद नहीं, मेरे साथ खुद की पत्नी है। कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, विजयपुरा जिले के चिक्का सिंगी गांव में 2 वाहनों के बीच टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। जनसेना नेता पवन कल्याण ने की 52 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा, पवन ने गाजुवाका निर्वाचन क्षेत्र से दाखिल किया नामांकन पत्र। मिजोरम में अब शराब पीना पड़ेगा महंगा, राज्य में फिर लागू हुई पूर्ण शराबबंदी, पहले 1997 से 2015 तक जारी थी शराबबंदी। पश्चिम बंगाल में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद, 2 लोगों के मरने की आशंका। केरल के पलक्कड़ में सीपीआई के पार्टी कार्यालय में महिला के साथ रेप का मामला आया सामने, सीपीआई कार्यकर्ता पर लगा आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
केरल के पूर्व मंत्री थंकप्पन की मौत। थंकप्पन ने नेरिया टिंकारा में अपने आवास में ली अंतिम सांस। 1993 से वाम दल के सदस्य थे थंकप्पन। तेलंगाना के मेढ़चल में गला काटकर 6 साल की बच्ची की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। गैंगरेप की आशंका। और तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS ने जारी की 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सूची में राव की बेटी कविता को निजामाबाद से फिर दिया गया टिकट।